नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ एक, परिमेय संख्याएं का आखिरी भाग। पिछले भाग में हमने जाना परिमेय संख्या के कुछ गुणधर्मों के बारे में, जिसमें हमने जाने गुणन के गुण और विभाजन के गुण। तो चलिए इस पाठ में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज के हमारे विषय होंगे परिमेय संख्याओं में बंटन नियम, परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण और दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि परिमेय संख्याओं में बंटन नियम किस प्रकार लगाया जाता है। तो आपके सामने एक परिमेय संख्या दी है -3/4, जिसको गुणा किया जा रहा है दो परिमेय संख्याओं के योग से -5/6 और 7/8। तो जब आप इसको गुणा करेंगे तो इसको कैसे हल करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे -3/4 वैसे का वैसा, गुणा का चिन्ह, और दो जो परिमेय संख्याएं दी थी -5/6 और 7/8 का योग -20/21/24। आगे इसको हल किया तो ये आया -3/4 × 1/24, और इसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा -1/32। अब यदि इसी परिमेय संख्या -3/4 को दोनों परिमेय संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए, यानी -3/4 × -5/6 जो कि हमारा आ जाएगा 15/24, और फिर इसको हम जब इसके मानक रूप में लाएंगे तो ये आएगा 5/8। उसी प्रकार जब परिमेय संख्या -3/4 को गुना करेंगे हम दूसरी परिमेय संख्या यानी 7/8 से, तो हमें प्राप्त होगा -21/32। अब पहले स्थिति में हमने क्या किया था, उस परिमेय संख्या को दोनों परिमेय संख्याओं के योग से गुना किया था। लेकिन अब हमने क्या किया, -3/4 को दोनों परिमेय संख्याओं से अलग अलग गुना किया और जो परिणाम आया है 5/8 और -21/32, इसका योग लेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा कि हमने दोनों का अलग अलग जो गुणनफल लिया था उसका योग कर दिया, यानी 5/8 × -21/32, जो कि हल करने पर आएगा हमें -1/32। यानी यदि तो आप परिमेय संख्याओं का गुना दो संख्याओं के योग से कीजिए या फिर दोनों संख्याओं से अलग अलग गुना करने के बाद उसका योग ले लीजिए, दोनों ही स्थिति में आपका जो परिणाम होगा वो बराबर आएगा, और इसी को हम बंटन नियम के नाम से जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला विषय, परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण। तो आपको यदि एक परिमेय संख्या दी गई हो 4/7 और इसको आपको संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो सबसे पहले आप 0 से 1 तक एक रेखा खींच लीजिए और फिर उसको जो आपका परिमेय संख्या का हर है उतने भागों में बांट लीजिए। तो यहाँ पर परिमेय संख्या का हर क्या था, 7, तो हम इसको 7 भागों में बांटेंगे। इसमें पहला होगा 1/7, फिर 2/7, फिर 3/7, फिर 4/7, फिर 5/7, फिर 6/7, और जो 7वां भाग है वो 1 है। और ऐसा क्यों? क्योंकि 7/7 जो है उसको हल करने पर हमें 1 प्राप्त होता है। अब इससे हमको हमारी जो परिमेय संख्या थी वो मिल गई 4/7, और इसका हमने संख्या रेखा पर निरूपण कर दिया। और इसी प्रकार से आप किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला विषय, दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं। तो मान लीजिए आपको दो परिमेय संख्या दे रखी है 3/10 और 7/10, और कहा गया है कि आपको इनके बीच में परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो आपने इसी पाठ के शुरुआती भागों में जाना था कि किस प्रकार निकाला जाता है, 1 होगा 4/10, 1 5/10 और 1 6/10, यानी इन दोनों के बीच में आपके अनुसार 3 परिमेय संख्याएं हैं। किंतु क्या इससे अधिक संख्याएं हो सकती है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, 3/10 और 7/10 यही दोनों संख्याएं हैं। अब यदि मैं 3/10 इस परिमेय संख्या के अंश तथा हर
दोनों को ही 10 से गुना कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 30/100। और हमें पता है यदि हम किसी भी परिमेय संख्या के अंश और हर को एक ही संख्या से गुणा करके परिणाम में एक नई परिमेय संख्या प्राप्त करते हैं तो उसको हम समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। अब उसी प्रकार आप 7/10 को भी 10-10 से गुणा कर दीजिए और प्राप्त कर लीजिए 70/100। अब 3/10 बराबर है 30/100 के और 7/10 बराबर है 70/100 के। इनके बीच यदि परिमेय संख्याएं निकालनी हो तो वो होंगे 31/100, 32/100, 33/100 और इसी प्रकार 69/100। यानी कुल 39 परिमेय संख्याएं हमें जो है वो प्राप्त हो गई 3/10 और 7/10 के। लेकिन इससे पहले तो हमें केवल 3 ही संख्याएं प्राप्त हुई थी। आगे बढ़ते और देखते हैं क्या 39 से भी अधिक संख्याएं हम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब 3/7 और 7/10 इनको हम 100-100 से गुणा करेंगे तो इससे हमें मिल जाएगा 300/1000 और 700/1000। और इसको करने पर हमें प्राप्त होगा इनके बीच की परिमेय संख्याएं 301/1000, 302/1000, 303/1000 और 699/1000। यानी कुल 399 संख्याएं। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जब आपको दो परिमेय संख्याएं दे रखी हैं तो आप इनके बीच में अपरिमित रूप से बहुत सारी परिमेय संख्याएं जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ आज के विषय आपको समझ आए होंगे। तो चलिए संक्षेप में देखते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सीखा परिमेय संख्याओं में बंटन नियम, परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण और दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं। इसी के साथ आपका गणित की किताब का पहला पाठ जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हुआ। प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न दिए हैं उनका निरंतर अभ्यास करते रहिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम एक नया पाठ शुरू करेंगे, वर्ग और वर्गमूल। तब तक के लिए धन्यवाद।